तो ये अभी इसकी जो है नाइट लाइट, मैं अभी आपको दिखा दो इसका हेलोजन ना। सबसे पहले मैं फॉग लैम्प से शुरुआत करता हूँ। देखो ये लगा इसका फॉग लैम्प, देख सकते हैं ये इसकी फॉग लैम्प्स है। अभी मैं लास्ट टाइम रैपिड के जैसा कुछ भी नहीं इसमें बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे डिसलाइक्स आ जाएंगे वीडियोस पे और बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ जो है मैं वो दिखाऊंगा, आप जो देख रहे हो बस आप वो समझिए। ये फॉग लैम्प हो गई इसकी मेन लाइट, ठीक है, ये हेलोजन लाइट हो गई, ये इसकी हाई बीम हो गई और इसकी लो बीम हो गई, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हेलोजन लाइट है 50-60 वाट वाली जो वही फिटेड आती है, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला मॉडल है। थोड़ा सा वायरिंग डिफरेंट रहेगा इसका, इसका टेक्नोलॉजी बाकी इधर बलेनों से काफ़ी अलग होता है। तो आपने येलो देख लिया, चलो चलते हैं अभी वाइट लाइट की तरफ में। पार्किंग बंद करा दरवाज़ा, जैसा आप मेरे दरवाज़ा ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली पार्किंग लाइट स्टार्ट हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगे। बंद करा पूर्ण लाइटा, पूर्ण लाइटा बंद करा, नहीं के लिए। हाँ तो ये है डे टाइम रनिंग लैंप्स। रेड शेड्स में इंडिकेटर दे, राइट साइड जा, लेफ्ट। फॉग लैम्प चालू करा, मैं पार्किंग चालू करा पहले। ये पार्किंग और ये नीचे के फॉग लैम्प स्टार्ट हो गए, और ये ब्लू कलर की डीमन आइज, सिंगल कलर डीमन आइज है एज पर क्लाइंट रेगुलेशन। चालू करा मेन लाइट, हाई बीम लो बीम, ये लो बीम है, हाई बीम लो बीम। इसकी मैं लाइट में आउटपुट दिखाता हूँ आपको रात में कैसा दिखता है। तो जैसा आपने कल तो वीडियो देख लिया था लाइट्स, इसकी आउटपुट अब अपग्रेडेशन के बाद में आप देख सकते हैं। ये रही लो बीम, अब डिफरेंस जो है वो आप कुछ समझिए, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये हाई बीम और ये लो बीम, चलो मैं कैमरा जो है बाहर से दिखाता हूँ। ये आफ्टर मार्केट एलईडी प्रोजेक्टर लेंस है, मेरा खुद का ERCZ परफॉर्मेंस सीरीज का। ये कंप्लीट फुल कैनवस प्रोटेक्शन है, डैशबोर्ड में आपको कोई भी सिंबल नहीं नज़र आएगा। एक्चुअली ऑटोमेटिक जो बलेनो होती है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हमने वो एक्चुअली सॉल्व कर दिया है। वो वाइड रेंज लैंप्स, आप इसकी हाई बीम की भी हॉटस्पॉट देख सकते हो, पूरा रोड कवर करता है। एक नाइट ड्राइव टेस्ट ले लेते हैं सिटी लैंप से। ये सिटी लाइविंग से देख सकते हैं लाइट इसका, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम। अगर मैं लाइट बंद करता हूँ ये रहेगा। फॉग लैम्प का तो उतना कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, कैमरे में समझ में आ रहा होगा क्योंकि फॉग लैम्प में हमने सिर्फ LED इस्तेमाल किया गया एज पर करेंट रिक्वायरमेंट। लाइट कैसा लगा आपको हमारा प्रोजेक्ट हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो बगित लगर पर खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये यूनिक फीचर जो है यूनिवर्सल जो आता है हमारे पास में, ये आपको ये गाड़ी में देखने को मिलेगा।
मैं जब मान के चलो इसको मैं अनलॉक करता हूँ तो इसकी पार्किंग लैंप्स DRL और ये डीमन स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप ऑटो में रखोगे, अगर ये दिन का समय अगर है तो सिर्फ पार्किंग और वो स्टार्ट होगा, फॉग लैम्प की बटन स्टार्ट होंगी। और ऑटो में अगर होगा तो नाइट के समय फिर अगर आप अनलॉक करोगे तो मेन हेडलाइट भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये इसके अंदर में फंक्शन है, अगर कंपनी फिटेड इसके अंदर में ऑटो का फंक्शन है इसके वजह से वो पॉसिबल है, नहीं तो बाकी गाड़ियों के लिए वो प्रोग्राम करना पड़ेगा वैसा।